ये देख सकते हैं आप, मम्मी भांग पीस भुनी हुई भांग पीस रही हैं कद्दू की सब्जी के लिए। और पहली वाली वीडियो में आप लाइट जो थी, लाइट थी नहीं तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए वीडियो जो है मैंने आधे से स्टार्ट कर रही हूँ। और दोबारा ये दूसरा पार्ट समझ ले रहा है इसे, सेकेंड पार्ट। ये देखिए भुनी हुई भांग मम्मी पीस रही हैं सिलबट्टे में, इसे हम इस तरह से पीसेंगे। और ये मम्मी भांग को जो है सब्जी में मिला रही हैं, ये देखिए ऐसे। और ये है खट्टा यानी कि चूक, इसको मम्मी अभी मैं इसे तोड़ के लाई हूँ पेड़ से, इसे मम्मी सब्जी में ऐसे निचोड़ेंगी। ये देखिए सब्जी में निचोड़ने के बाद जो है ये इसे मिक्स कर लेंगी मम्मी ऐसे। ये देखिए ऐसे इसे मिक्स किया जाता है। और उसके बाद जो है इसमें धनिया डाल दिया है ये, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये बन गई हमारी कद्दू की सब्जी या चटनी जो भी आप कहते हैं। और ये जो है अब खाने के लिए तैयार है। ये देखिए इसकी जो है खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत अच्छी आ रही है खुशबू ये। और गाइस ये है कद्दू की सब्जी जो कि तैयार हो चुकी है, चटनी बोलिए चाहे जो बोलते हैं आप। और ये है उसके साथ प्लस मट्ठा है, और ये है रोटी, और उसमें मैंने रखा है मक्खन। ये जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।